किसी ने डराने की कोशिश भी करी ना पप्पू यादव को, तो उसका पप्पू काट दूंगा। मुनावर अभी राइट नाउ नहीं है हमारे साथ, लेकिन मुनावर हमारे दिल में। सो है वेलकम बैक टू अंदर वीडियो। सब फ्रेंड कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप अच्छे से होंगे एंड योर फैमिली फाइन होगी। सो गाइस, जैसे कि आपको पता है पप्पू यादव ने लॉरेंस बिश्नोई को धमकी दी थी, बट भैया यहाँ पर तो पप्पू यादव पर उल्टा पड़ गया केस। सो जैसे कि आपने रिकॉर्डिंग भी सुनी होगी, लॉरेंस बिश्नोई के जो गैंगस्टर है वो पप्पू यादव से साफ साफ बात करते हुए नजर आ रहे थे, और आपने वो कॉल रिकॉर्डिंग सुनी होगी सोशल मीडिया पर। तो भैया यहाँ पर पप्पू यादव की सपोर्ट में पुनी सुपरस्टार उतर चुके हैं, और पुनी सुपरस्टार उतर कर क्या बोले पप्पू यादव की सपोर्ट में, चलिए वीडियो देख लेते हैं। बेटा पप्पू यादव को डराने से पहले ना 100 बार सोच लेना, और अगर किसी ने डराने की कोशिश भी करी ना पप्पू यादव को, तो उसका पप्पू काट दूंगा। और जब तक पप्पू यादव के पीछे पुनी सुपरस्टार खड़ा है ना, पप्पू यादव को कोई टच भी नहीं कर सकता। और इस वीडियो को इतना शेयर करना ताकि ये वीडियो पूरे हिंदुस्तान में जाए। सो गाइस, जैसे कि आपने पुनी सुपरस्टार का ये वाला वीडियो देख लिया है, पुनी सुपरस्टार कह रहे हैं कि पप्पू यादव के पीछे पुनी सुपरस्टार खड़ा है कि पप्पू यादव को जो भी हाथ लगाएगा मैं उसका पप्पू काट दूंगा। तो कुल मिलाकर पुनी सुपरस्टार को लेकर आप क्या कहना चाहते हैं, मेरे को कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से बताना। सो चलिए अगली अपडेट के बारे में बात कर लेते हैं। अगली अपडेट है एलबीसी यादव से रिलेटेड। तो भैया एक इंटरव्यू के दौरान एलबीसी यादव से पूछा जाता है कि एलबीसी यादव जी आपकी नजर में मुनव्वर फारूक क्या मायने रखते हैं, फिर उसी का रिप्लाई देते हुए एलबीसी यादव कहते हैं कि मुनव्वर फारूकी मेरे दिल में बसता है। और एलबीसी यादव अपनी वीडियो में क्या क्या बोले, चलिए वीडियो देख लेते हैं। मुनव्वर अभी राइट नाउ नहीं है हमारे साथ, लेकिन मुनव्वर हमारे दिल में। हाउ वुड यू डिस्क्राइब योर रिलेशनशिप विद मुनव्वर एज अ मेंटोर एंड एज समबडी? मेरा मुनव्वर के साथ रिलेशनशिप काफी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला है, फुल ऑफ अप्स एंड डाउन्स, फुल ऑफ थ्रिल, फुल ऑफ एडवेंचर्स। बिल्कुल जुगलबंदी भी चलती है हमारी, और मौज मस्ती भी चलती है, एक दूसरे की रोस्टिंग भी चलती है। तो हमारा ऐसा कि अगर मैं उस पर जोक मार रहा हूँ तो वो ले लेता है, वो मेरे पे जोक मार रहा तो मैं ले लेता हूँ, तो उस टाइप का रिलेशन है। वैसा कुछ हम कोई लड़ते झगड़ते मेरे हिसाब से आप लोगों ने देखा नहीं होगा, ना हम ऑन कैमरा अभी तक लड़े। कभी कभी दिमाग में बतेरी चीजें चलती है मेरे पर, मैं सोच के बोलता हूँ कि कभी क्या पता बिलो द बेल्ट ना हो जाए, तो वो मेंटेन करना पड़ता है, वो सेम वो भी सोचता होगा। सो गाइस, जैसे कि आपने ये वाला वीडियो देख लिया है, एलबीसी यादव को लेकर आप क्या कहना चाहते हैं, मेरे को कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से बताना। एंड गाइस, वीडियो कैसा लगा वीडियो को लाइक एंड टू सब्सक्राइब चैनल।